नमस्कार। एक बार फिर निरंजन कुमार की राजशाला निरंजन कुमार नेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे क्या राष्ट्रवाद भारत के लिए खतरनाक है, खराब है। यह चर्चा इसलिए कि राष्ट्रवाद का विमर्श आज के चुनाव में 2019 के चुनाव में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े विचारकों की ने जहां राष्ट्रवाद को प्रमुख मुद्दा बनाया है, तो दूसरी ओर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल और उनसे जुड़े तथाकथित उदारवादियों, मार्क्सवादियों और पश्चिम से आक्रांत बुद्धिजीवियों ने राष्ट्रवाद को तिरस्कार और घृणा की दृष्टि से देखा है। दरअसल राष्ट्रवाद के प्रति इस घृणा के पीछे जो समझ है वह यूरोपीय राष्ट्रवाद के प्रभाव में बनी है, जिसका जन्म युद्धों के दौरान हुआ, जो अपनी प्रकृति में आक्रामक, उदारवादी मूल्यों से रहित और जनता के वास्तविक मुद्दों से दूर होती है। लेकिन इन दलों या तथाकथित बुद्धिजीवियों की एक सीमा है। वह सीमा है कि वे इतिहास और घटनाओं को जड़ता में देखने के आदि हैं। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने साक्षात्कार में राष्ट्रवाद की एक व्यापक अवधारणा का खुलासा किया है, तब सवाल है क्या वर्तमान चुनाव का यह विवादास्पद मुद्दा राष्ट्रवाद जनता के बुनियादी जरूरतों से जुड़ा हुआ है या नहीं। इस संदर्भ में पश्चिम के ही एक बड़े विचारक और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर स्टीफन मार्टिन वॉल्ट के विचार हमारे लिए प्रासंगिक हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की यथार्थवादी धारा के समर्थक प्रोफेसर स्टीफन वॉल्ट अपने एक आलेख में सवाल उठाते हैं कि संसार में सबसे शक्तिशाली शक्ति क्या है। फिर वे खुद ही इसका जवाब देते हैं, ना तो यह वित्तीय बाजार है और ना ही धार्मिक पुनरुत्थान, ना ही इंटरनेट और ना परमाणु बम। उदाहरणों और आंकड़ों से प्रोफेसर वॉल्ट प्रतिपादित करते हैं कि राष्ट्रवाद दुनिया का सबसे शक्तिशाली विचार और शक्ति है, जो व्यक्ति, समाज और देश के लिए सर्वाधिक लाभकारी है। वे आगे कहते हैं कि राष्ट्रवाद एक तरफ भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी आदि समस्याओं से लड़ने में मददगार होता है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रवाद देश की आर्थिक प्रगति में भी अहम भूमिका निभाता है। अमेरिका तथा यूरोप के अतिरिक्त जापान, चीन, कोरिया आदि की अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति के पीछे राष्ट्रवाद और पूरे राष्ट्र को ध्यान में रखकर बनाई गई आर्थिक नीतियाँ और कार्यक्रमों की बड़ी भूमिका रही है। यही नहीं, विदेशी गुलामी से बचाने में भी राष्ट्रवाद बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। प्रोफेसर वॉल्ट वियतनाम जैसे देशों की मिसाल देते हैं, जिसके सामने अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली देश को भी मुंह की खानी पड़ी थी। प्रोफेसर वॉल्ट की इस व्याख्या में अंतर्निहित है कि राष्ट्रवाद का विचार राष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों के कल्याण की कामना करता है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के। आइए लौटें हम लोकसभा चुनावों की ओर। राष्ट्रवाद और राष्ट्रहित को भाजपा ने अपना प्रमुख मुद्दा बना रखा है। यह राष्ट्रवाद एक तरफ जहां अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका, चीन, रूस आदि से आंख में आंख मिलाकर बात करता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद को उसके घर में जाकर कुचलने का भी साहस रखता है। राष्ट्रवाद का विचार नक्सलवाद अथवा पूर्वोत्तर के उग्रवादी अलगाववाद से निपटने में भी अहम भूमिका निभा रहा है। दूसरी ओर इस राष्ट्रवाद का एक मानवीय चेहरा भी है दोस्तों, जो जाति, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सभी के लिए सामाजिक आर्थिक कल्याण की नीतियां बनाता है। घर घर शौचालय, गरीब महिलाओं के लिए मुफ्त गैस कनेक्शन, गरीबों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना, मुद्रा बैंक स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना अथवा किसान फसल बीमा योजना, किसी विशेष जाति या किसी विशेष धर्म या किसी विशेष राज्य के लोगों तक ही सीमित नहीं है। इसके बरक्स विपक्षी दलों को देखें, यह लोकसभा चुनाव है अर्थात पूरे राष्ट्र के लिए पूरे देश की सरकार बनेगी, लेकिन इसके बावजूद विभिन्न क्षेत्रीय दल राष्ट्रहित की जगह सिर्फ अपने राज्यों के हित की बात करते हैं। ममता बनर्जी को अपने बंगाल की चिंता है, तो चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश के स्पेशल पैकेज तक ही चिंता है। नवीन पटनायक उड़ीसा फर्स्ट में सिमटे हुए हैं, तो उमर अब्दुल्ला और महबूबा
जम्मू कश्मीर को लेकर खतरनाक बयान दे रहे हैं। नेशन फर्स्ट किसी की भी चिंता का केंद्र नहीं है। समग्र राष्ट्र, राष्ट्र के समस्त नागरिक, राष्ट्रवाद इनके एजेंडा में कहीं नहीं है। कुछ अन्य क्षेत्रीय पार्टियां जैसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल आदि तो जाति और मजहब का खेल खेलने में लगी हुई हैं। उदाहरण के लिए सपा के अखिलेश यादव की विशुद्ध जातिवादी घोषणा कि सरकार में आए तो सेना में अहीर रेजिमेंट स्थापित करेंगे, यानी जातिवाद का विषबेल अब हमारी सेना में भी रोपने की तैयारी। दोस्तों, वह सेना जो पूरी अखंडता से राष्ट्र की रक्षा और बिना जाति मजहब के भेदभाव के विभिन्न संकटों में हमारी रक्षा करती है, सबकी मदद करती है। आपको बता दें कि भारतीय सेना में कुछ जातियों के नाम पर जो भी रेजिमेंट हैं वह अंग्रेज़ों के ज़माने के हैं। आज़ादी के बाद जाति के आधार पर कोई रेजिमेंट नहीं बना है। राष्ट्रवाद को खराब बताना और राष्ट्र के सभी नागरिकों की चिंता के बजाय अपने क्षेत्र, जाति या मजहब के लोगों की बात करने वाले ये दल देश और जनता का क्या हाल करेंगे दोस्तों, इसकी हम कल्पना ही कर सकते हैं। कांग्रेस एक समय ज़रूर राष्ट्रवाद और राष्ट्रहित की बात करती थी, लेकिन वंशवाद के भंवर में उलझकर वर्तमान में कांग्रेस पूरी तरह से दिशाहीन हो चुकी है। वास्तव में राष्ट्रवाद और राष्ट्रहित का अलग जगाने के लिए मोदी के नेतृत्व में अकेली भाजपा ही इस चुनाव में दिखाई पड़ती है, और मोदी का यह राष्ट्रवाद कोई अंधी भावुक कल्पना या हवाई परिकल्पना भर नहीं है, लेकिन हमारे तथाकथित बुद्धिजीवी पता नहीं कब यह समझेंगे। जय राष्ट्र, जय भारत।